कवच। आपने अगर 3 किलो अंगूर बिना धोए किसी को खिला दिए तो वो राम नाम सब हो जाएगा, इतना पॉइजन उसमें होता है। आप इसकी इंटेंसिटी देखिए, सुबह दोपहर शाम इसका स्प्रे होता है, और ज्यादातर स्प्रे ये फंगीसाइड के होते हैं। अब फंगीसाइड में इतना पॉइजन भर दिया है, सुबह एक मौला, दोपहर को एक मारा, शाम को एक मारा, फंगल डिसीजेस आणि बैक्टीरियल डिसीज, फफूंदी के रोग और बैक्टीरिया के रोग आप जानना बहुत जरूरी है। पत्तों की सतह पे अगर आप ऐसे हाथ फेरोगे पैर से, तो आपको अगर वो जो दाग पत्तों के ऊपर गिरा हुआ है, वो दाग अगर ऊपर आए हुआ लगा, अगर आपको लगता है कि ये मुहासे है, मुहासे जैसा रफ लग रहा है, तो ये बैक्टीरियल डिसीज है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन, ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस से आया हुआ है। अगर वो आपको रफ नहीं लगता है, प्लेन है, तो वो फफूंदी है, वो बुरशी है, वो फंगस का डिसीज है। हजारों डिसीजेस पर काम करना रहा एक मॉलिक्यूल फंगी कवच। सिस्टेमिक फंगस, कॉन्टैक्ट फंगस, एग्जाम्पल होता है सर, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, कुछ पत्तों के ऊपर में ऐसी पाउडर जैसा आता है, या लाल सतह हो जाती है, या फिर आपको ऊपर से नीचे हुए सूखते हुए दिखता है। कभी कुछ पौधे अगर हम उखाड़ लेते हैं तो रूट्स के ऊपर में आपको ऐसे सड़ा हुआ दिखता है, या फिर ऑफ स्मेल आती है, हम उसका स्मेल नहीं ले सकते। जमीनी मध्ये येणारे फंगस, पानांवर येणारे फंगस, फळांवर येणारे फंगस, पौधे के कोई भी पार्ट को आने वाली फंगस, दवाई एक ही, फंगी कवच। जमीनी मध्ये येणाऱ्या फंगसला ड्रेंचिंग, पाण्यात द्यायला लागेल, लिक्विड आहे पाण्यामध्ये, 100% घुलनशील आहे, ड्रिप मधून द्या, इरिगेशन मधून द्या, कायदा बनलेला आहे, फ्लड इरिगेशन महाराष्ट्रामध्ये चालत नाही, पानलोट तुम्ही देऊ शकत नाही आता। ड्रिप इरिगेशन किंवा स्प्रिंकलर इरिगेशन, तुम्हाला ड्रिप इरिगेशन मधून तुम्ही ट्रेंचिंग देऊ शकता, जर मुळांवर येणारे रोग असतील तर। पानांवर येणारे रोग असेल तर तुम्हाला वरून फवारणी करायला लागेल, ऊपर से आपको छिड़काव करना पड़ेगा, और फलों के अंदर डेफिनेटली ऊपर से ही आपको छिड़काव करना पड़ेगा। एक एकड़ के लिए 250 ml इस्तेमाल करना है। पानी ज्यादा लगता है तो क्या करना है, 2 ml 1 लीटर पानी में डालना है। अब देखिए, डोसेस हमने इतने यूनिक बनाया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बोतल उठाई, पानी कितना लगता है, 150 लीटर, 300 लीटर ले जाने पड़ेगा भाई, एक दो बोतल दे दो, आपका सेल बढ़ जाएगा ना। तो मोड ऑफ एक्शन का है, फंगस चे जेव्हा कॉलोनीज अपने पानांमध्ये तैयार होता, काही पानांच्या आतमध्ये मोठ्या होतात, काही पानांच्या बाहेर मोठ्या होतात, काही जण पानांच्या नंतर जेव्हा पावडर बाहेर निघते, जसं पावडरी मिल्ड्यू मध्ये बाहेर निघते, म्हणजे ती स्पोअर्स असते, ते बियाणं असतं त्या फंगसचं, ते हवेनी पसरतं, ते लाखो किलोमीटर जाऊ शकतं, एवढं हलकं असतं, तर ती मॅच्युरिटी आल्यानंतर ते तुम्हाला बाहेर दिसतं। पण प्रिव्हेंटिव्ह घेताय तेव्हा असं तुम्ही समजू शकत नाही की प्रिव्हेंटिव्ह घेते वेळेस तुमच्या याच्यावर डिसीज आलेला नाहीये, कारण आज एवढे रोग झालेली आहेत, तुमच्या हायबरनेशन, तुमच्या जमिनीमध्ये तुमचे रूट स्टॉक तेच आहेत। पुन्हा मी सर ऐशी लँग्वेज बोलतो, हे सगळे डिसीजेसचे नाव मी इथे दिलेले आहेत, तुम्हाला वाचू शकता, ब्लॉच आहे, फ्रूट कॅन्कर आहे, लीफ स्पॉट आहे, विल्ट आहे, पावडरी, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, डॅम्पिंग ऑफ, सिंपली से वन सोल्युशन फॉर ऑल फंगल डिसीजेस। याच्याबद्दल काही तुम्हाला शंका, कुशंका म्हणणार नाही, कारण शंका असतात, चांगल्याच असू शकतात। मॅडम काही प्रश्न, शेती करायची आहे, ऑफकोर्स चालू आहे, कुठे आहे तुमची शेती, आई शपथ, यमाय वाले असे असतात, सगळ्यांच्या शेती सगळीकडे असतात, सक्सेस स्टोरी, यमायचे कमाय हुआ पैसा इधर है खेती में।